हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का इस वीडियो में एंजल ऑन में शेयर कैसे खरीदना है और शेयर कैसे बेचना है पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं शेयर मार्केट होती क्या है। शेयर मार्केट को हम लोग स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। आप लोगों को सिंपल भाषा में बताते हैं शेयर मार्केट होती क्या है। सोचिए आपके पास 10 लाख रुपीज़ है या 5 लाख रुपीज़ है और आप चाहते हैं इस पैसों से कोई बिजनेस करना, कोई शॉप ओपन करना। अगर आप न्यू शॉप ओपन करते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि न्यू शॉप में गारंटी नहीं होता है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, वो लॉस होगा या फायदा होगा, ठीक है। इसलिए आप किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद सकते हैं, उस कंपनी का आप मालिक बन सकते हैं। कैसे मालिक बन सकते हैं आप लोगों को वो भी बता देते हैं। सोचिए किसी कंपनी का मार्केट है टोटल 99 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, और आपने उस कंपनी का शेयर खरीदे 1 करोड़ का, 1 करोड़ रुपये आप इन्वेस्ट किए उस कंपनी का, तो टोटल हो गया उस कंपनी का मार्केट 100 करोड़ रुपीज़, और आपका हो गया 1 करोड़, मतलब आप हो गए उस कंपनी का 1% का मालिक, ठीक है। उस कंपनी जितना फायदा करेगा उसका 1% आपको मिलेगा, उस कंपनी का अगर लॉस होगा तो आपको 1% हिसाब से आपका भी लॉस होगा। सोचिए अगर उस कंपनी ने एक साल में 1 करोड़ कमाया, ठीक है, तो आपको 1 करोड़ का 1% हिसाब से आपको मिलेगा 1 लाख रुपया, ठीक है, साल में। अगर वैसे ही अगर लॉस करेगा तो आपको भी लॉस होगा। इसका मतलब ऐसे नहीं शेयर मार्केट में कि आपको करोड़ रुपया ही आपको इन्वेस्ट करना है या लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, लाख रुपये का आपको शेयर खरीदना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 100 रुपया देकर भी आप शेयर खरीद सकते हैं, फिर आप उस कंपनी का मालिक भी बन सकते हैं। हो सकता है आप 0.00001% का मालिक है, लेकिन आप मालिक होंगे उस कंपनी का। तो दोस्तों उम्मीद करते आप लोग थोड़ा बहुत जान गए होंगे शेयर मार्केट क्या होती है। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखनी है। उसी कंपनी का शेयर आपको खरीदना है जिस कंपनी के बारे में आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, जिस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स में जानते हैं उसी कंपनी का आपको शेयर खरीदना है। वो कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट है, वो कंपनी कैसे कमाता है, कितना कमाता है और अभी कैसा चल रहा है, उसका फ्यूचर कैसा है, ब्राइट है या लॉस हो सकता है, उस हिसाब से आपको शेयर खरीदना है। अगर किसी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो उस कंपनी का शेयर आपको खरीदना ही नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं शेयर मार्केट में पैसा कमाना तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, लंबे टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, शॉर्टकट मत करना। अगर आप बिजनेस करते हैं मतलब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप चाहते हैं जो शेयर मार्केट में रातों रात करोड़पति होना तो ये मुमकिन नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है जो रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे। बिजनेस अगर आप करेंगे तो उसमें टाइम लगता है। अगर आप शॉप ओपन करते हैं तो आपको कितना टाइम लग सकता था आपको सक्सेसफुल होने में, ठीक है, 2 साल 5 साल 10 साल भी लग सकता है। उस हिसाब से अभी सोचिए अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे आपको शेयर खरीदना है, होल्ड करके रखना है आपको शेयर को, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से जान गए होंगे शेयर मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोग दिखाते हैं शेयर कैसे खरीदना है और शेयर कैसे बेचना है। एंजल ऑन में शेयर बाय करने के लिए और सेल करने के लिए आपको पहले एंजल ऑन का डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आपका पहले से डीमैट अकाउंट ओपन है तो एंजल ऑन का एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और उसको लॉगिन कर ले यूजर आईडी और पासवर्ड देकर। जैसे लॉगिन करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। अगर आपका पहले से डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो आप पहले डीमैट अकाउंट ओपन करें। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर इस अकाउंट को आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, वॉच लिस्ट में आना है। सबसे पहले वॉच लिस्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का। निफ्टी NSE का टॉप 50 कंपनी का नेम है और सेंसेक्स BSE का टॉप 30 कंपनी का नेम है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर निफ्टी में क्लिक करेंगे यहाँ पे टॉप 50 जो कंपनी है यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉप 50 कंपनी का नेम है। अगर आदिना स्पोर्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे इसका 730 का एक शेयर का दाम है। जो रेड है, रेड सब है आपका सेल हो रहा है और जो ब्लू है वो बाय हो रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं, आपको देखते हैं अगर दूसरा कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना है, आप पहले से दिमाग में लेके आए हैं जो हम उस कंपनी का शेयर खरीदना है मुझे, तो आपको वॉच लिस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको देख पा रहे सर्च का ये है, सर्च का सर्च बार है, यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है जो जिस कंपनी का आपको
शेयर खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोचिए हम किसका, HDFC का सोचिए, HDFC का हम देखेंगे। तो यहाँ पे HDFC पे क्लिक करेंगे, HDFC बैंक ऊपर में आ गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, HDFC कितना रेट है यहाँ पे आप देख पाएंगे, 1,434 रुपया रेट है NAC में, और BSE में है 1,433 रुपया, ठीक है। NAC मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बुम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जिस भी कंपनी का शेयर आपको खरीदना है यहाँ पे आपको सर्च करना है। मुझे SBI का खरीदना है, इसलिए SBI हम सर्च करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पाए SBI का आ गया है 478 रुपया, इसका रेट चल रहा है, और NAC में और BSE में चल रहा है 479 रुपया। तो मुझे NAC में खरीदना है, NAC में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंबल आ रहा है सक्सेसफुल, यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा, जिसको भी आप जिस शेयर को आप खरीदना है उसको टैप करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे। मुझे SBI का शेयर खरीदना है, यहाँ पे SBI आ चुका है। अगर कोई भी कंपनी का यहाँ पे आपका टाटा का अगर आपको लेना है, टाटा यहाँ सर्च करें, यहाँ पे टाटा स्टील आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका रेट देख पाएंगे, ठीक है। कितना ऊपर गया कितना नीचे गया यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे 1070 वो माइनस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे 82% रिटीट माइनस चल रहा है, यहाँ पे देख पाएंगे NAC BSE दोनों में, ठीक है। अगर आप दूसरा कंपनी कोई भी देखना चाहते हैं, कोई भी कंपनी रिलायंस का अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पे रिलायंस सर्च करें, ठीक है। यहाँ पे रिलायंस आ गया है, रिलायंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे रिलायंस का 2,400 रुपये एक शेयर का दाम है, यहाँ पे प्लस 150 1,50 रुपये यहाँ का रेट ज़्यादा है, बढ़ गया है, डाउन नहीं हुआ या अप हुआ है, उठा है, ठीक है। तो और वहाँ पर टाटा स्टील में क्या देखे थे, डाउन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं डाउन और आप मेरा मुझे SBI में खरीदना है, इसलिए SBI में चलते हैं हम। यहाँ पे SBI में आ गया है, SBI हम क्लिक करें। SBI में क्या देखिए, 8.70 रुपये यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, डाउन ना है नहीं हुआ है, बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे टोटल, यहाँ पे जो रेड है वो सेल हो रहा है, जो ब्लू है यहाँ पे वो बाय हो रहा है। अगर आप स्टॉक डिटेल्स में चेक करेंगे, स्टॉक में क्लिक करते हैं, यहाँ पर उसका डिटेल्स पूरा देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा डिटेल्स में, आप यहाँ पे ओवरव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्निकल देख सकते हैं, उसके बाद आप डेरिवेटिव्स भी क्या है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फंडामेंटल्स यहाँ पे देख सकते हैं, फंडामेंटल यहाँ देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से आप चलते हैं, यहाँ पे आप अगर चार्ट देखना चाहते हैं, चार्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, पूरा चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डाउन या अप किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते फिर बैक, आपको अगर बाई करना है तो यहाँ पे आप देखिए कितना रेट है, 479 रेट है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख पा रहे रेट घट रहा है बढ़ रहा है, जो SBI का जैसे एक शेयर का दाम है देख पा रहे यहाँ पे 70 पैसा हो रहा है, एक बार 65 हो रहा है, एक बार 80 हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक शेयर खरीदने के लिए 480 रुपया लगेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है वो बताते हैं, इससे पहले आपको फंड जमा करना है, ठीक है। तो फंड कैसे जमा करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे फंड का ऑप्शन है, फंड में आपको क्लिक करना है। मुझे यहाँ पे 480 रुपया फंड ऐड करना है, क्योंकि मेरा एक शेयर का दाम है 480 रुपया और मुझे एक ही शेयर खरीदना है, ठीक है। आपका शेयर का रेट कितना है वो आप देखेंगे, और कितना शेयर आपको खरीदना है 2, 5, 6 उस हिसाब से आपको फंड ऐड करना है। ऐड फंड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 480 रुपया देंगे। आप जिस बैंक लिंक करेंगे आपका डेबिट अकाउंट से, उस बैंक से ही आपको पैसा कटाना होगा, ठीक है। यहाँ पे फोनपे है, गूगल पे है, पेटीएम है, बहुत सारे ऑप्शन है, जिस पे चाहे उससे कटा सकते हैं। आप चाहे तो नेट बैंकिंग भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसी बैंक से पैसा कटेगा, दूसरे बैंक से पैसा नहीं कटेगा, वो आप याद रखें, ठीक है। तो मुझे UPI से करना है, UPI में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेटीएम पे जाएंगे, उसके बाद हम UPI से पैसा कटा देंगे। जिस बैंक हम ऐड करके रखे थे उस बैंक से हम पैसा कटाएंगे। यहाँ पे पिन दे देते हैं, देखते हैं उसके बाद। यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे देख पा पेड सक्सेसफुली हो चुका है, वहाँ पे रीडायरेक्ट फिर से हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, यहाँ पे देख पा रहे मेरा 480 रुपये ऐड हो चुका है, ठीक है। अब चलते फिर वॉच लिस्ट पे, यहाँ पे आप देख पाएंगे SBI का जो मैंने ऐड किया था उस पर फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, आपको बाय के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो चार्ट, स्टॉक, ऑप्शन, बहुत चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, क्वांटिटी, आपको कितना क्वांटिटी लेना है, मुझे एक ही लेना है, यहाँ पे एक क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप दो ऑप्शन मिलेगा, लिमिट और मार्केट का, ठीक है। लिमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिमिट दे सकते हैं, यहाँ पे जितना रेट है उससे ज़्यादा या कम दे सकते हैं, क्योंकि उसका टच जब करेगा, सोचिए यहाँ पे दे रहे हैं हम 475, ठीक है। जब रेट 475 पाएगा तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक है, कि आपका शेयर खरीद जाएगा, ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा।
अगर आप ज्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पे देते 480। जब 480 में आएगा तब आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। अगर आप मार्केट में करेंगे तो आपको मार्केट प्राइस जो है वही आपको लेना होगा। जब अभी इतना है 479.60 रुपया, इतना ही आपको लेना है, ठीक है। तो मुझे मार्केट प्राइस ही लेना है, तो यहाँ पे हम 480 रुपये, मतलब एक मार्केट में गए, एक क्वांटिटी लिए, मतलब एक ही लेना है। उसे तीन ऑप्शन मिलेगा आपको, डिलीवरी, मार्जिन और इंट्राडे, ठीक है। डिलीवरी का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, ठीक है। शेयर आप खरीद रहे हैं, अगर लॉन्ग टाइम होल्ड करना चाहते हैं तो डिलीवरी पे आपको चूज करना है, ठीक है। अगर आप इंट्राडे करेंगे मतलब आज ही आपको शेयर बाय करना है और आज ही आपको सेल करना है, ठीक है। अगर आप सेल बाय आज ही नहीं करते हैं तो आप क्या होगा जानते हैं, मार्केट क्लोज होने से पहले ही आपका शेयर बाय हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको करना भी की जरूरत नहीं है, अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डिलीवरी में करते हैं तो आपका सेल ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको सेल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम अभी इंट्राडे करके दिखाते हैं आपको, सेल भी अभी करके दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे, नहीं बाय का ऑप्शन है, यहाँ पे आप एप्लीकेबल चार्जेस भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे चार्जेस में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपये चार्जेस लगेगा। यहाँ पे देख पा रहे GST 3.60, यहाँ पे 23 रुपये आपको 63 पैसा चार्ज लगेगा। यहाँ पे चार्ज भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बाय पे हम क्लिक करते हैं, कंफर्म बाय पे फिर से हम क्लिक करते हैं, ऑर्डर प्लेस हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है 479.80 रुपये में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे गेन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप शेयर का आपका रेट घट गया है या बढ़ रहा है यहाँ पे आप देख पाएंगे। लॉस और जो फायदा यहाँ पे देख पाएंगे, मेरा देखिए लॉस 5 पैसा 10 पैसा लॉस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे अगर आप इसको सेल करना है, सेल कैसे करना है आपको दिखाएंगे। यहाँ पे फिर से क्लिक करना है, उसके बाद एग्जिट का ऑप्शन है, आपको एग्जिट पे फिर क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, आप स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब आपको बता देते हैं, महीने 479 में हम मैंने खरीदा है 479.50 रुपये में। अगर आप चाहते हैं कि 475 में आएगा तब हम ये कर देंगे, मतलब मेरा लॉस नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, 479 में आपको सॉरी 479.50 है ना, तो हम 475 में कर दिए। अगर 475 करते हैं, जब इसका रेट मार्केट रेट 480 में आ जाएगा, 475 में आ जाएगा, जो शेयर का रेट 475 में जब आ जाएगा तब ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा। लेकिन आज के अंदर ही करना है क्योंकि ये इंट्राडे का है। अगर डिलीवरी का करते फिर भी एक ही आपका ऑप्शन आता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर मार्केट में क्लिक करेंगे तो मार्केट में आप इसको मार्केट रेट जितना चल रहा है उसी रेट से आपको सेल करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं मार्केट में, क्लिक करते हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट एग्जिट भी कर सकते थे, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ से, हम सेल कर देते हैं। यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन है, यहाँ पे डे है, यहाँ पे 475, यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म सेल का ऑप्शन है, कन्फर्म सेल पे आप क्लिक कर देते हैं। तो 475 अभी किया हुआ इसलिए अब 475 में भी करना है। तो हम चलते हैं फिर उसी ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं 479 का जो मेरा रेट है अभी 479.90, यहाँ 10 पैसा 20 पैसे यहाँ पे माइनस चल रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एग्जिट का ऑप्शन है, एग्जिट पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो मेरा सेल हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं लिमिट में करेंगे या मार्केट में करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में क्लिक करेंगे, उसके बाद एग्जिट पे क्लिक कर देंगे, कंफर्म एग्जिट पे फिर से क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सेल कर दिया है, मेरा लॉस हो गया 20 पैसा, ठीक है। देख सकते 20 पैसा मेरा लॉस हो गया है, मुझे 479.70 रुपया मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका जो अभी जो सेल किए हैं वो 2 दिन के अंदर आपका यहाँ पे जो आपका फंड है फंड में आपका आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, विड्रो का ऑप्शन है, अगर आप बैंक में फिर ट्रांसफर करना चाहते हैं विड्रो पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे विड्रो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा आपका, जितना बैलेंस आप ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पे विड्रो बैलेंस आ जाएगा। विड्रो बैलेंस में क्लिक करके एंट्री अमाउंट देके आप विड्रो फंड में क्लिक करेंगे, आपका बैंक में पैसा चला जाएगा। लेकिन विड्रो बैलेंस में आने में आपको कम से कम 1 दिन से 2 दिन लग जाता है टाइम, 24 घंटा या 48 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी 2-3 घंटा में भी हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा विड्रो बैलेंस में आपका बैलेंस आ जाएगा, तभी आप ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक में, ठीक है। तो इस तरह से आप बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।